सब्सक्राइब कीजिए जासूसिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रिव्यूज न्यूज और गॉसिप के लिए। बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे शो के 12वें सीजन में विकास गुप्ता के साथ एंट्री करती हैं। विकास भी सीजन 11 में टॉप 3 में शामिल रहे थे। गौरतलब है कि शिल्पा और विकास सीजन 12 में दिवाली से पहले बड़ा धमाका करने गए हैं। ये एक स्पेशल एपिसोड है। इस एपिसोड में दोनों घर वालों को खेल का महत्व समझाने गए हैं। आइए जानते हैं शिल्पा और विकास ने घर वालों को क्या कहा। बता दें कि शिल्पा और विकास की एंट्री घर में मौजूद कंटेस्टेंट के लिए चौंकाने वाली होगी। विकास और शिल्पा सीजन 11 के सबसे लड़ाकू और मास्टरमाइंड कंटेस्टेंट थे। ऐसे में दोनों को इसलिए घर में भेजा है कि वो सीजन 12 के कंटेस्टेंट को खेल समझा सकें। घर में जाते ही शिल्पा ने एक एक कंटेस्टेंट को समझाया और कहा कि पागल बन जाओ, ठंडे मत पड़ो। वहीं विकास ने कहा कि घर में कुछ करो, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाओ, तभी लोगों को लगेगा कि आप भी शो में हैं, वरना लोग शो देखना छोड़ देंगे। बता दें कि पेशे से वकील रोमिल चौधरी इस वक्त शिल्पा शिंदे की पहली पसंद बने हुए हैं। शिल्पा घर में सबसे ज्यादा मजबूत कंटेस्टेंट रोमिल को मानती हैं और उन्हें फाइनल तक भी देखती हैं। इसके अलावा शिल्पा घर के मास्टरमाइंड के रूप में भी रोमिल को ही देखती हैं। उन्हें लगता है कि वो काफी अच्छा और समझदारी से खेलते हैं। आखिर में आपको बता दें कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए घर का हिस्सा बनी बिग बॉस मराठी की विनर मेघा धाड़े के बारे में कहती हैं कि वो भी एक मजबूत कंटेस्टेंट हैं और घर वाले उन्हें देख सकते में हैं। ऐसे में वो एक चुनौती बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि वो फिनाले में किन टॉप 3 कंटेस्टेंट को देखना चाहती हैं, तो वो कहती हैं कि वो श्रीशंत, रोमिल और सुरभि राणा को देखना चाहती हैं। शिल्पा ने कहा कि हालांकि श्रीशंत कभी कभी बचकाना बर्ताव करते हैं, लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं।